वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। काजी शियान मसूद जिस वक्त हमारे साथ हैं, आप इमरान मसूद के दामाद भी हैं, जीत हुई है, काजी परिवार के पास एक बार फिर से सांसद लौट गई है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, परिवार के लोग भी? साहब देखिए, ये हमारे तमाम उन साथियों की जीत है जिन्होंने संघर्ष के वक्त में हमारे साथ रहकर संघर्ष करा, जिन्होंने विफल परिस्थितियों में हमारे अंदर अपनी उम्मीद, अपने यकीन को ख़त्म नहीं होने दिया। ये तमाम उन लोगों की जीत है जो निरंतर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों हमारे साथ खड़े रहे। और बस यही है साहब कि सहारनपुर की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम कल भी उनके थे, आज भी उनके हैं और कल भी उनके रहेंगे। इलेक्शन जब चल रहा था तो काफ़ी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन क्या उम्मीद थी आप लोगों को अपनी जीत की पूरी तरह से, क्या कोई चुनौतियाँ तो नहीं थी आप लोगों के सामने? निश्चित रूप से, आप लोगों से भी, मीडिया के बंधुओं से भी जब भी बात हुई तो मैंने ये बात कही, मैंने कहा हमारी जीत 50,000 से और 1,00,000 के बीच होगी, आपको भी याद होगा। और इसलिए भी ये कॉन्फिडेंस था कि हमने देखा कि पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश और संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहा था। आपने देखा कि देश के अंदर परिणाम भी उसी संविधान को बचाने के लिए आए, और डे वन से हमें ये यकीन था कि हम एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं और शिकस्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपके दादा मरहूम काजी रशीद महमूद साहब, उन्होंने भी काफ़ी समय प्रतिनिधित्व किया जिले का, तो अब आपके ससुर भी हैं, चाचा भी हैं इमरान मसूद साहब, तो अब क्या लगता है कि सहारनपुर को अब क्या 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 बदलाव करेंगे यहाँ पर भी आप? देखिए साहब, लगातार लड़ाई जो है वो शोषितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने की रही। आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब 45 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे और उस 45 साल में से 42 साल वो सांसद रहे, और निरंतर उनकी लड़ाई गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए रही, और वही हमारा एजेंडा आज भी है और कल भी रहेगा, अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, उन लोगों की आवाज़ को निरंतर उठाते रहेंगे। तो ताकत, एक लकब मिल गया हम लोगों को, लेकिन जब कुछ नहीं था तब भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री सहारनपुर में आई बड़ी रैली की, उसके अलावा योगी जी के रोड शो हुए, रैलियां हुई हैं, और अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री सहारनपुर में आए हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या कमियां रहेगी जो उनको हार का सामना करना? आपसे आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ऐसे नहीं बचे जो ना आए। आसपास के पड़ोस के जितने हमारे प्रदेश हैं उन सबके मुख्यमंत्री यहाँ आए कैंपेनिंग करने हमारे खिलाफ, और बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था, जो झूठ का पुलंदा बीजेपी ने बांध रखा था, मैं समझता हूँ वो पुलंदा, वो झूठ, वो इमारत आज बिखर गई। सहारनपुर के लोगों ने इस बात को साबित करा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम लोग जिस बात को पिछले 10 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आज हमारी जीत इस बात का सबूत है कि सहारनपुर के लोगों को वो बात समझ आई, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ और फरेब के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो ये थे काजी शियान मसूद, साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं जो जीत हुई है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं, सहारनपुर की जो जनता है उसका शुक्रिया भी इनकी तरफ से अदा किया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।